हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अब कनाडा शिफ्ट हो चुका हूँ और आज मैं हूँ मॉन्ट्रियल में। सो मैं कनाडा शिफ्ट कभी हुआ, मैं कैसे आया, क्या है, उसके लिए मैं एक टोटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो कि हम हमेशा करते हैं, जब हम घूमने जाते हैं तो हम हमारे स्टे का वीडियो ज़रूर बनाते हैं। सो इस वक्त मैं हूँ मॉन्ट्रियल में और मैं कहाँ पर रुका हूँ, तो मैं रुका हूँ सॉन्डर करके एक जगह है यहाँ पर। मैं एड्रेस वगैरह सब आपको यहाँ नीचे आ रहा होगा। तो फिलहाल मैं आपको मेरे जो जहाँ पर मैं रुका हूँ स्टे का, मैं आपको टूर देता हूँ, ठीक है, चलो। तो ये है घर का एंट्रेंस और ये यहाँ पर हॉल और किचन है, यहाँ पर रूम्स है दो। सो हम लोग पहले हॉल से शुरू करते हैं। गाइस, इतना ब्यूटीफुल हॉल और इतना ब्यूटीफुल किचन और इतनी ब्यूटीफुल वाइफ क्या बताऊँ, मैंने मतलब इतना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेज दैट आई हैड इन लाइक मोस्ट इन द रिसेंट ईयर्स। सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टे एंड फर्स्ट आउटिंग इन कैनेडा एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल रूम। यू कैन सी कि यहाँ पर किचन भी अटैच्ड है, यहाँ पर हॉल है सो आप बैठ सकते हो और यहाँ पर गैलरी भी है। तो चलो पहले थोड़ा गैलरी में जाते हैं। सो इस तरह से कुछ ओपन होता है यहाँ पर। आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा कॉशियस रहना यहाँ पर गैलरी में जब भी जाते हो। सो ये है यहाँ की स्ट्रीट, मैके स्ट्रीट पर हम लोग रुके हैं। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी क्योंकि आवाज़ मतलब हवा थोड़ी ज़्यादा है। और वहाँ पर बाइक्स, कितनी सारी बाइक्स है। सो यहाँ पर बैठने के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा सा लगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये प्लेस बहुत अच्छी है फॉर द फैमिली, बिकॉज काफ़ी कुछ है यहाँ पर, एक साथ में आप बैठ सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो एंड कितना मतलब हवा चलती रहती है। शाम को बहुत हवा हो जाती है यहाँ पे और अभी हम लोग समर में आए हैं तो डेफिनेटली समर इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन कैनेडा। सो ये हमने लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये जो है यहाँ के पर्दे भी नीचे आ जाते हैं, तो लाइक इफ़ यू वॉन्ट आपको ये नीचे करना है तो आप ये पर्दे ऐसे इसको खींच के नीचे कर सकते हो। ड्रिंकिंग वाटर 24/7 अवेलेबल है यहाँ पर, सारा स्टफ प्लेट वगैरह भी है। अगर आपको कुछ कुकिंग करना है तो आप कुकिंग वगैरह कर सकते हो, माइक्रोवेव, ओवन, इंडक्शन गैस, कॉफ़ी मशीन, सब कुछ है। टीवी, नेटफ्लिक्स वगैरह सब अकाउंट्स भी सब सारे हैं इसमें। ये एक रूम है छोटा, ओके, ये दो लोगों के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा कबर्ड जैसा है, लाइक स्टोरेज एंड ऑल, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कॉमन बाथरूम है। सो दिस इज द कॉमन बाथरूम, वेरी नाइस ग्लास है शावर। दिस इज अनदर रूम, वेरी ब्यूटीफुल। उसके पास भी गैलरी, आप दरवाज़ा ओपन करके जा सकते हो, जैसे कि देख सकते हो पर्दे भी नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर एक स्टोरेज है, ओके। ये मेरा रूम है, मैं यहाँ रुका था और यहाँ पर बाथरूम जो है वो अटैच्ड है। सो आई जस्ट टर्न दिस ऑन। और कितना ब्यूटीफुल है, कितना ही ब्यूटीफुल है। और स्टोरेज के लिए भी यहाँ पर सारी जगह है, ऐसे आप अपना सूटकेस वगैरह रख सकते हो, कपड़े हैंग कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, लाइक एक प्रॉपर हाउस है। एंड सीरियसली गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है। वाइट कलर है, पेंट है दीवारों पर और मिरर्स जगह जगह पर लगे हुए हैं। तो लेडीज़, इफ़ यू वांट, यू नो, अगर एक आईने में कोई एक तैयार हो रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गो टू अनदर मिरर, लाइक बहुत सारे मिरर्स हैं यहाँ पर। और आई रियली लाइक्ड द कलर और इसका जो वाइब है। दीवारों पर जो पेंट है वो उन्होंने काफ़ी सिंपल रखा है, घर एकदम वाइट कलर में है, ज़्यादा झगर मगर नहीं है और पेंटिंग वगैरह भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। सो लाइक इट लुक्स गुड, यू नो, और ऐसे लैम्प्स वगैरह है यहाँ पर। सो ऑल इन ऑल आई वुड से रियली वेरी ब्यूटीफुल रूम। नीचे गलीचा वगैरह है, लाइक घूम सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इफ़ यू गाइज कम टू मॉन्ट्रियल तो आप यहाँ पर स्टे कीजिए, बिकॉज यहाँ से जो नीचे का जो स्ट्रीट है जो मैंने अभी बताया रिसेंटली, वहाँ पर काफ़ी सारे खाने के लिए काफ़ी सारे ऐसे यू नो ओपन रेस्टोरेंट्स है, रोड साइड बैठने के लिए जगह है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स है। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट देयर, बिकॉज
इस स्ट्रीट से आप जब नीचे उतरते हो तो यहाँ से सारा कुछ यू नो मॉन्ट्रियल का ओल्ड मॉन्ट्रियल जो कहते हैं लाइक मॉन्ट्रियल इज वेरी ब्यूटीफुल, सो वो यहाँ से शुरू होता है. सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके फूड क्यूजिंग्स अवेलेबल है. सो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए. और ये स्टे ये जगह जो है ये ओल्ड टाउन के काफ़ी नज़दीक है. सो आप यहाँ से अगर वॉक करते करते जाते हो तो आप ज़रूर पूरा एंड तक घूम सकते हो. साइकिल आप ले सकते हो यहाँ पर रेंट पर. Like you have to just scan the QR code and then you have to start riding the cycle. So वो एक option है यहाँ पर. अगर आप पैदल चलना prefer करते हो तो आप पैदल जा सकते हो. और इस जगह का main ये है कि यहाँ पे इसी building के exactly नीचे एक metro stop भी available है. So आप metro लेके airport तक जा सकते हो या दूसरी किसी location पर भी जा सकते हो. So I would definitely recommend के आप इस place पर आके रुको और चीज़ों को एक्सप्लोर करो. और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड या अब से वीडियोस टाइम टू टाइम आया करेंगे बिकॉज मैं जैसा भी मूव हुआ हूँ तो थोड़ा चीज़ों को सेटल करने में थोड़ा टाइम लगा. सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड राइट. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग अंडर द स्काई.